आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से नमकीन। इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं आप। ऐसे नए नए वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। अभी हम स्टार्ट करेंगे नमक पारे कैसे बनाते हैं। नमक पारे बनाने के लिए मैंने आधी कटोरी गेहूं का दरदर आटा लिए है। आपके पास नहीं हो तो आप सूजी भी डाल सकते हो आधी कटोरी। उसके बाद दो कटोरी नॉर्मल गेहूं का आटा लेंगे। उसके बाद अजवाइन डालेंगे और सौंफ डालेंगे। उसके बाद जीरा डालेंगे और दो चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे फ्लेवर के लिए। आपके पास नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। हल्दी पाउडर डालेंगे। उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। उसके बाद दो तीन चम्मच तेल डालें और ये सबको अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद उसका हम टाइट डो बनाएंगे। ये देखो हमारा डो रेडी हो गया है। अभी हम इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं और मैंने आटे को 3 पार्ट में डिवाइड भी कर लिया है। अभी हम इसको बेलेंगे। इसको नॉर्मल रोटी जैसे ही बेलें। ये देखो मैंने बेल लिए। अभी हम इसको कट करेंगे। आप जिस शेप में कट करना चाहो आप उस शेप में कट करें। ये देखो मैंने कट कर लिया है।
अभी हम इसके ऊपर टूथपेन से छेद बनाएंगे क्योंकि नमकीन पारे फूले ना। इससे नमकीन पारे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। देखो मैंने छेद कर लिए, अभी हम इसको डिश में निकालेंगे। सेम दूसरा भी वैसे ही बेलेंगे। ये देखो मैंने दूसरा भी बेल लिया है, अभी हम इसको भी कट करेंगे। अब हम इसके ऊपर भी टूथपिन से छेद बनाएंगे। ये देखो मैंने छेद कर लिया है, अभी हम इसको डिश में निकालेंगे। ये देखो मेरा तीसरा भी हो गया है और उसके ऊपर मैंने छेद भी कर लिया है, अभी हम इसको डिश में निकालेंगे। ये देखो मैंने डिश में निकाल लिया है, अभी हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखो मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसको क्रिस्पी होने तक फ्राई करें।
ये देखो अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। अभी हम इसको डिश में निकालेंगे। सेम प्रोसेस से आगे भी वैसे ही करेंगे। इसको भी क्रिस्पी होने तक फ्राई करें। ये देखो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अभी हम इसको भी निकालेंगे। ये देखो हमारे नमक पारे रेडी है।